बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आपके मुझे बार बार मैसेजेस आ रहे हैं कि आपको टाइम टेबल की जो है वो प्रॉपर समझ नहीं लग रही, इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि मैं आपकी गाइडेंस के लिए एक छोटा सा ट्यूटोरियल जो है वो शेयर कर देता हूँ। टाइम टेबल जो है यहाँ पे, चूंकि हम डिग्री H&D के रिलेटेड जो है वो डिग्री प्रोग्राम्स अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल्स पे ऑफर कर रहे हैं। अंडर ग्रेजुएट लेवल्स पे इसका टाइटल जो है वो BSc ऑनर्स ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स है, और ये प्रोग्राम जो है वो 2011-12 में शुरू किया गया, और आप लोग जो है इसका तकरीबन 10वां बैच बन रहे हैं। इस सेमेस्टर के एक वक्त में डिग्री के 4 सेमेस्टर्स जो हैं वो चल रहे होते हैं, और यहाँ पे ऑड और इवन का साइकिल चलता है एक साल के अंदर। इस वक्त जो है वो आप फर्स्ट सेमेस्टर में आए हैं, तो आपके साथ ही जो इस वक्त पैरेलल सेशन चल रहा है लास्ट ईयर का, उनका अब थर्ड सेमेस्टर है। इसी तरह उनसे नेक्स्ट जो है वो फिफ्थ, और उनसे आगे जो है वो सेवन्थ सेमेस्टर एक्सिस्ट करता है। तो इसका मतलब है कि टाइम टेबल जो हमने ऑल इन वन के नाम से बनाया हुआ है, कि जिसमें सारे डिग्री प्रोग्राम्स जो है वो इकट्ठा रख दिया गया है, ताकि अगर कोई ओवरलैपिंग है किसी वजह से तो वो भी क्लियर हो सके। तो इसमें 4 डिग्री जो सेमेस्टर्स हैं BSc ऑनर्स ह्यूमन न्यूट्रिशन के, और नेक्स्ट इसमें जो कैटेगरी है वो MSc ऑनर्स और PhD ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स है, तो उनका भी जो है वो यहाँ पे एक रॉ जो है वो रखी गई है, और इसमें डिफरेंट कलर्स यूज किए गए हैं ताकि आप लोग उनको इजीली जो है वो डिस्टिंक्शन कर सकें। तो अब मैं डायरेक्टली जो है वो मॉर्निंग का गालबन टाइम टेबल जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, और इसको मैं डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूँ। मजीद अगर आपको समझ ना आए तो फिर आप दोबारा मुझसे रब्ता कर लीजिएगा, और ये इंफॉर्मेशन जो है ये मैं YouTube चैनल पे भी अपलोड कर दूंगा, और उसका लिंक जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, और आप इसको डाउनलोड करके बार बार भी इस इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं, अंटिल अनलेस के यू आर वेरी मच क्लियर अबाउट द टाइम टेबल। इसमें अगर आप एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे देखें तो एक कॉलम है जिसमें डेज लिखे हुए हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। तो यहाँ पे चूंकि 5 डेज का वीक चल रहा है, तो इसमें सिर्फ हमने 5 डेज जो है उनको शो किया है, और मंडे मीन्स के आप सपोज करें कि 28th को आपका मंडे जो है वो जब आएगा, उस वक्त आपने अपनी क्लासेस जो है ना उनको किस तरीके से यहाँ से देखना है और उसके हिसाब से उनको अटेंड करना है। नेक्स्ट कॉलम जो है इसमें सेमेस्टर है, और जैसा कि मैंने अभी अभी आपके साथ ये बात शेयर की थी, इसमें हमारे पास BSc फर्स्ट, BSc थर्ड, फिफ्थ और सेवन्थ, ये 4 सेमेस्टर्स हैं अंडर ग्रेजुएट के, और फिफ्थ जो रो है ये आप देखेंगे ना इस रो को, तो यहाँ पे जितने कोर्सेज लिखे हुए हैं ये MSc के रिलेटेड हैं या PhD के रिलेटेड हैं। आपका जो कंसर्न है इस वक्त वो सिर्फ फर्स्ट रो तक है, तो इसलिए आप बाकी पे अगर ना भी गौर करेंगे तो आपको आप इसको लैदा करके भी लिख सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट रो जो है मंडे वाले दिन, जिसमें पहला आपका जो सब्जेक्ट है वो HORT 301 लिखा हुआ है, ये कोड्स यूज किए गए हैं यहाँ पे कोर्सेज के। इसको मैं फिर नेक्स्ट आपको एलेबोरेट कर देता हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। साथ जो है इसमें अगर लेक्चर होगा तो L लिखा होगा, और अगर P स्टैंड यहाँ पे फॉर प्रैक्टिकल, और साथ इसके जो है वो हम लोकेशन लिखते होते हैं कि ये क्लास कहाँ पे होगी। तो अपेरेंटली ये टाइम टेबल जो है वो हमने इस वक्त नो डाउट ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, लेकिन हमने इसको एक स्टेप आगे जाके जो है वो अभी डिजाइन कर दिया कि लेट्स के होपफुली अगर आपकी क्लासेस जो है इस सेमेस्टर में भी किसी भी टाइम अगर वो फिजिकल फॉर्म में स्टार्ट करती हैं तो फिर उसकी लोकेशन क्या होगी। तो प्रैक्टिकल्स जो है ये मोस्टली लेबोरेटरीज के अंदर होते हैं, तो यहाँ पे आपको लैब लिखा आएगा, जहाँ पे भी प्रैक्टिकल होगा उसकी लैब लिखा होगा, और बाकी जो है ना आप देखेंगे तो इसके साथ कुछ कोड्स दिए गए हैं, जैसे R1, R2, R3, R4, दीज आर इंडिकेटिंग द रूम्स। ठीक है, हमारे जो इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग है उसमें जो डिफरेंट रूम्स हैं वहां पे भी इनको मार्क किया गया है, तो R1 जो है वो Room 1 को शो करता है। ठीक है, और इसी तरह कुछ और कोर्सेस यहाँ पे आपको नजर आएंगे, जैसे CSD लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में जाके ये लोग अपनी क्लास लेंगे। तो
मंडे वाले दिन आपने हॉर्टिकल्चर का प्रैक्टिकल जो है वो अटेंड करना है। टीचर्स के नेम मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। मजीद मैं जो है वो इसको एक और वीडियो के अंदर जाने इन चीज़ों का आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। थर्ड क्लास आपकी, हर क्लास यहाँ पे आप देखेंगे 50 मिनट से स्टार्ट कर रही है, और जो सॉफ्टवेयर यहाँ पे यूज किया जाएगा आपके साथ इंटरेक्ट करने के लिए, मजोरिटी जो है वो इसमें वो जूम यूज करेगी, और कुछ टीचर्स जो है ना वो टीम्स सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट का है बेसिकली, उसको यूज कर रहे हैं। दोनों केसेस में आपके पास ये सॉफ्टवेयर जो है ना वो डाउनलोडेबल फॉर्म में होने चाहिए, और आपको पहली फुर्सत में इनको डाउनलोड करके यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना चाहिए। अकाउंट क्रिएट करते वक्त आप कोशिश करें कि वहाँ पे अपना जो फुल नेम है उसको लिखें, फर्स्ट नेम मीन्स वहाँ पे फुल नेम लिख दें, ताकि इसी तरीके से वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो सके और हमें अटेंडेंस मार्क करने में भी आसानी हो। थर्ड क्लास आपकी जो है वो HND 301 के नाम से है, और ये क्लास मैं लूंगा आपकी थर्ड और फोर्थ। और इसके बाद जो है एग्रोनोमी, AGRON जो है ये एग्रोनोमी को स्टैंड करता है, और इसका प्रैक्टिकल है। तो मैं अब आपको क्लियर होना चाहिए कि मंडे वाले दिन आपके दो सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिकल्स हैं और एक सब्जेक्ट की थ्योरी है। यहाँ पे कोर्स में आगे नेक्स्ट इसका जो पेज है वहाँ पे इसको आपके साथ दोबारा एलेबोरेट कर दूंगा। फिलहाल आप सिर्फ इसी पे कंसंट्रेट करें कि HORT जो सब्जेक्ट है 301, इसकी क्लास जो है वो आपकी मंडे वाले दिन फर्स्ट और सेकंड होगी। ज्यादातर जो है ना सब्जेक्ट्स उनके अंदर आपको कोड जो है वो 301 नजर आएगा, और इसके बाद 2 मिस करके 303 आ जाता है, 305 आ जाता है। 3 जो है ना यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है थर्ड ईयर को, और यहाँ पे आप 2 ईयर्स जो है वो आपके FSC वाले थे। तो चूंकि पाकिस्तान में अब 18 ईयर्स की एजुकेशन गिनी जा रही है, जिसमें 12 ईयर्स आपकी FSC है और 4 ईयर्स का आपका BSc ऑनर्स या BS ऑनर्स इसको बोलते हैं, और 2 ईयर्स का फिर MSc ऑनर्स, MS या फिर उसको MPhil बोलते हैं। तो टोटल आपके 18 ईयर्स होने चाहिए। तो यहाँ पे आप जब हमारे पास 4 साल रहेंगे तो आप देखेंगे कि कोर्सेज जो है ना वो 3 सेट शुरू होंगे और 6th पे खत्म हो जाएंगे। जैसे ये 7th सेमेस्टर जो है इनके कोर्सेज जो है 6th से शुरू हो रहे हैं, 5th सेमेस्टर जो इनके 5 से, 3rd के 3 से, ठीक है। तो इस तरह आपको यहाँ पे इनको रिकॉल करना, इनको रिमेम्बर करना वो कदरे इजी रहेगा। ट्यूसडे वाले दिन आप देखें तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड क्लास जो है वो बिल्कुल खाली है, आपके पास स्पेयर पड़ी हुई है। अगर आप चाहें तो किसी और जगह से सब्जेक्ट उठा के टीचर की कंसल्टेशन के साथ यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, और जो आपकी क्लास 12 या 12 के बाद चल रही है उनको यहाँ पे ला सकते हैं, या किसी दिन में आप चाहते हैं कि उस दिन आपकी कम से कम क्लासेस हों तो आप यहाँ वहां से उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। इसके बाद FST 402 की क्लास है, ये भी प्रैक्टिकल है, और FST जो है वो फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी को शो करता है। ये भी हमारी फैकल्टी का प्रोग्राम है, आपने देखा है और आप लोगों ने अक्सर ने अप्लाई भी किया होगा फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, ये कोर्स जो है वो उस डिग्री से हमने लिया हुआ है। इसके बाद जो 5th क्लास होगी वो HND 301 सब्जेक्ट की है, जिसकी 2 क्लासेस जो है वो हमने मंडे को लेनी होंगी, 3rd एंड 4th, और तीसरी इसकी क्लास जो है ना वो ट्यूसडे को @11:20। ये 3 क्लासेस जो है ना इस चीज को इंडिकेट कर रही हैं कि ये सब्जेक्ट जो है 3 क्रेडिट आवर्स का है, ठीक है। 1 क्रेडिट आवर जो है वो यूनिवर्सिटी में 20 मार्क्स के बराबर गिना जाता है, तो ये सब्जेक्ट जो है वो 60 नंबर पे कंसिस्ट करेगा टोटल। जब आपका पेपर होगा तो वो टोटल 60 नंबरों में से होगा, और उसी में से आप ABC और इस तरह के जो ग्रेड्स हैं वो अचीव करेंगे। वेंसडे पे आते हैं तो वेंसडे में आपकी फर्स्ट क्लास जो है वो बायोलॉजी का लेक्चर है। बायो जो है यहाँ पे 2 डिपार्टमेंट्स में स्प्लिट है, एक को बॉटनी कहते हैं और एक को जुआलॉजी कहते हैं। तो दोनों के टीचर जो है ना वो आपको मिलके पढ़ाएंगे, और आपस में वो कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, हो सकता है कि कुछ वीक्स जो है ना वो बायो के टीचर ही आपको पढ़ाते रहें थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल, और फिर उसके बाद वाला जो अरसा होगा उसमें जुआलॉजी वाले टीचर्स जो हैं वो आपको टीच करेंगे। इनके भी नेम्स हमारे पास आ चुके हैं, डॉक्टर आयशा हैं जो कि बॉटनी से हैं, और डॉक्टर नूरीन
आज उनका नंबर मैंने ऐड किया है व्हाट्सएप के अंदर, वो जुआलॉजी से डील करेंगी। बड़ी अच्छी टीचर है भाई, आपको इंशाल्लाह उनसे बहुत कुछ लर्न करने का मौका मिलेगा। इसके बाद फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसकी ट्यूसडे वाले दिन प्रैक्टिकल क्लास थी, जो कि डॉक्टर इनामुर रहीम साहब लेते हैं, और उनके साथ जो टीचर सेकंड टीचर है वो डॉक्टर मोज़म रफीक साहब हैं, वो आपको इसकी थ्योरी पढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्लास जो आ जाती है वो बायोकेमिस्ट्री का लेक्चर है, और ये भी फिफ्थ एंड सिक्स दो कंसेक्टिव, तो बायोकेमिस्ट्री में आपको दो लेक्चर्स और एक प्रैक्टिकल्स लेना है। तो आज उनकी प्रैक्टिकल्स हो जाएंगी, वेंसडे वाले दिन सॉरी थ्योरी की क्लास हो जाएगी, और प्रैक्टिकल जो है फिर वो नेक्स्ट किसी दिन जो है वो आएगा। इसके बाद आप थर्सडे पे आ जाएं, और इसमें फर्स्ट क्लास अगेन 301, लेकिन आज इसका प्रैक्टिकल है, ठीक है। पहले वेंसडे वाले दिन इसका एल स्टैंड्स फॉर लेक्चर और पी स्टैंड्स फॉर प्रैक्टिकल। इसके बाद इंग्लिश भाई सब्जेक्ट है, कंपल्सरी सब्जेक्ट है, कोई भी डिग्री प्रोग्राम हो ये कंपल्सरी जो है वो इसमें से गो थ्रू करना होता है। तो इंग्लिश का जो लेक्चर है ये थर्ड और फोर्थ होगा, और थर्सडे को होगा। ये भी 3 credit hour का कोर्स है, तो इसका भी एक लेक्चर जो रह गया ना वो नेक्स्ट डे पे शिफ्ट हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जब पोस्ट फर्स्ट टाइम अपीयर होता है तो उसके दो कंसेक्यूटिव लेक्चर्स हैं 50-50 minutes के, और जो उसका थर्ड बच जाता है पोर्शन फिर वो नेक्स्ट डे पे शिफ्ट हो जाता है। हॉर्टिकल्चर भाई सब्जेक्ट है आपका, और इसमें मॉर्निंग में डॉक्टर समर नकवी साहब आपको टीच कर रहे हैं, और इवनिंग वाले सेशन को जो है वो डॉक्टर आसन जो है वो टीच करेंगे। इसमें भी 2 credit hour की थ्योरी है और 1 credit hour का प्रैक्टिकल है। तो थ्योरी जो है ना वो आप यहाँ पे आपको इसकी नजर आ रही है, ठीक है, ये आपको थर्सडे को ऑफर की जाएगी। फ्राइडे वाले दिन अगर हम देखें तो अब एग्रोनॉमी का यहाँ पे एक सब्जेक्ट लिखा हुआ है, और एग्रोनॉमी मंडे को हमने इसके प्रैक्टिकल्स लिए थे, ठीक है, और यहाँ पे आप इसकी देखें तो आपको थ्योरी नजर आ रही है। इसके बाद बायोकेमिस्ट्री है यहाँ पे, और बायोकेमिस्ट्री का प्रैक्टिकल जो है वो पहले वेंसडे वाले दिन, और थ्योरी जो है उसकी फ्राइडे वाले दिन एट सेकेंड एंड थर्ड पीरियड। और इंग्लिश का जो एक सब्जेक्ट बच गया था, ये दरमियान में फोर्थ वन क्लास आपकी फ्राइडे को खाली होगी, और पांचवी जो है ना वो आपकी इंग्लिश की क्लास होगी। तो ये नोट जो है वो आपके साथ रिलेटेड नहीं है, इसलिए मैं इसको बाईपास कर रहा हूँ। अब मैंने बड़ा आपको जो है ना वो शॉर्ट वर्ड्स में टाइम टेबल जो है वो आपका समझा दिया है, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे नीचे जो है वो हमारे पास कुछ एक्सप्लेनेशन हैं। ये राइट साइड पे देखें तो ये कोड्स लिखे हुए हैं, R1 स्टैंड्स फॉर, R2 स्टैंड्स फॉर, इनको आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देखें तो ये BSc ऑनर्स जो ब्लैक कलर में आपने देखा है, वहां भी कोड भी ब्लैक कलर में यूज किए गए थे, और यहाँ पे उनकी एक्सप्लेनेशन भी ब्लैक कलर्स में है। तो यहाँ पे आप फर्स्ट सेमेस्टर देख रहे हैं, इसके बाद ग्रीन कलर में थर्ड सेमेस्टर के कोर्सेज हैं, और सारे कोर्सेज हमने ग्रीन कलर के साथ रो में दिए हुए थे, सेकेंड रो में। थर्ड रो वहां पे जो थी वो फिफ्थ सेमेस्टर को इंडिकेट कर रही थी, और ये आप देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट रेड या मैरून जो भी इस कलर को आप कह सकते हैं, और सेवन्थ सेमेस्टर है इसमें। और इसके बाद MSc हमने यहाँ पे फर्स्ट और इसका थर्ड सेमेस्टर चल रहा होता है, तो वो यहाँ पे कोर्सेज दिए हुए हैं। आपका कंसर्न जो है ना वो इस वाले पोर्शन के साथ है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वहां पे तो सिर्फ HND 301 लिखा हुआ था, तो यहाँ पे उसका टाइटल भी लिख दिया गया है, ये कोर्स है क्या। इसका टाइटल क्या है, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन, और आगे जो लिखा हुआ है 3 और फिर ब्रैकेट शुरू है, और उसमें फिर 3 और फिर 0 और फिर ब्रैकेट क्लोज की गई है। तो ये असल में ना इसके अंदर भी 3 इंफॉर्मेशन है, तो बेसिकली कोर्ट, उसके बाद टाइटल, और टाइटल के बाद जो डिजिट्स लिखे हुए हैं ना, इसमें 3 किस्म की इंफॉर्मेशन है। फर्स्ट 3 जो है ना वो इंडिकेट करता है कि इसके टोटल कितने क्रेडिट आवर्स हैं, इस कोर्स के क्रेडिट आवर्स कितने हैं। और मैंने पहले आपके साथ शेयर किया है कि 1 credit hour इज इक्वल टू 20 marks, इट मींस के ये सब्जेक्ट जो है वो 60 नंबर का है। और फिर नेक्स्ट जो ब्रैकेट में 3 लिखा हुआ है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि इसकी तीनों की तीनों क्लासेज जो है वो थ्योरी की है। इसमें 0 इंडिकेट करता है कि इसके साथ कोई प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट जो है वो डिजिट इंडिकेट करेगा टोटल को,
सेकेंड डिजिट इंडिकेट करेगा थ्योरी को और लास्ट जो है वो इंडिकेट करता है प्रैक्टिकल को। अगर प्रैक्टिकल होगा तो 1 लिखा होगा या 2 लिखा होगा कुछ सब्जेक्ट्स में, और अगर 0 है तो इट मीन्स कि इसमें प्रैक्टिकल की क्लास नहीं है। इसमें 2 टीचर हैं, डॉक्टर मियाँ कामरान शरीफ जो कि मैं आपके सामने हूँ, और डॉक्टर मसूद सादिक भट्ट जो हमारे डीन हैं, इनके साथ भी शायद आपकी मुलाकात हो चुकी होगी। तो हम दोनों मिलके जो है ना इस कोर्स को डिलीवर करेंगे। सेकंड जो कोर्स है हमारा वो FST 402 के नाम से, और इसका टाइटल देखें तो ये एसेंशियल्स ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, क्योंकि आपने फ्यूचर में डाइट के साथ काम करना है, डाइट प्लान करनी है, फूड्स को यूज करना है, तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट कोर्स है जो आपको फूड के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन, फूड की प्रोसेसिंग के बारे में इंफॉर्मेशन, फूड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कंपोजिशन, उनके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करेगा। तो ये 3 क्रेडिट आवर का कोर्स है, और इसमें आप देखें तो 2 क्रेडिट आवर का मतलब है कि 2 लेक्चर्स हैं, और आगे जो 1 क्रेडिट आवर दिया हुआ है इसका मतलब है कि इसके साथ प्रैक्टिकल की क्लास भी इन्वॉल्व है। बायोकेमिस्ट्री 301, एलिमेंट्री बायोकेमिस्ट्री 321, डॉक्टर जाहद मुश्ताक साहब इसकी क्लासेस ले रहे हैं आपकी, और इसमें भी 2 थ्योरी हैं और 1 प्रैक्टिकल है। बायो 301 एसेंशियल्स ऑफ बायोलॉजी, इसकी अभी मेरा ख्याल है आपकी क्लास फर्स्ट क्लास होगी नेक्स्ट वीक जो है। इसमें डॉक्टर आयशा जो है वो बॉटनी का पोर्शन कवर करेंगे, और डॉक्टर नोरीन राणा जो है वो जुआलॉजी वाला पोर्शन कवर करेंगे। मिलके आपका जो कोर्स है ये 3 क्रेडिट आवर का है, 60 मार्क्स का है, इसमें 40 मार्क्स की थ्योरी है और 20 मार्क्स का जो है वो प्रैक्टिकल है। इसके बाद यहाँ पे आप देखें तो 2 सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, एग्रॉन 301 एंड एग्रॉन 304। 301 जो है ना वो मेजॉरिटी आपके स्टूडेंट्स की वो पढ़ेगी। एग्रीकल्चर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है और फूड का मेन सोर्स है, पाकिस्तान की इकोनॉमी की बैकबोन है। तो इस कोर्स को पढ़ाने का मकसद ये था कि जब आप डाइट या फूड्स किसी को सजेस्ट करेंगे तो आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये किस क्लास से बिलोंग करती है, क्या ये सीरियल है, क्या ये पल्स है, क्या ये शुगर का सोर्स है, और किस सीजन्स में ये प्रोड्यूस होती हैं, क्या ये जमीन के अंदर पैदा होती हैं, जमीन के बाहर पैदा होती हैं। तो ये एग्रीकल्चर का कोर्स जो है ना वो आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, बेसिक ऑफ एग्रीकल्चर। 2 थ्योरीज की क्लासेज हैं, सॉरी 2 लेक्चर इसमें टोटल क्रेडिट आवर्स हैं, 1 थ्योरी की क्लास है और 1 प्रैक्टिकल है। नेक्स्ट जो कोर्स है ये आपके साथ हो सकता है कुछ 4-5 बच्चे ऐसे आए कि जिन्होंने FSC प्री मेडिकल नहीं की होगी बल्कि प्री एग्रीकल्चर की होगी, तो इस कोर्स को वो लोग गो थ्रू करेंगे। दोनों का टाइम सेम है, क्योंकि आप जो FSC वाले हैं वो ये कोर्स पढ़ रहे होंगे और जो प्री एग्रीकल्चर वाले हैं वो ये वाला कोर्स पढ़ रहे होंगे सेम टाइम पे। टीचर्स डिफरेंट हैं और वो आपके साथ शेयर कर दिए गए। इसके बाद सब्जेक्ट है हॉर्टिकल्चर, और HORT 301 के नाम से है, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप प्रोडक्शन। हॉर्टिकल्चर बड़ा फेमस सब्जेक्ट है यूनिवर्सिटी के अंदर, और आप देखें तो इसकी जो सबसे बेस्ट एप्लीकेशन आपको नजर आ रही है वो ग्रीन बेल्ट्स जो हैं वो पूरे सिटीज में नजर आना, रोड्स के ऊपर प्लांटेशन, और सीजन के हिसाब से वहाँ पे आपको पौधे लगे नजर आते हैं। तो पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी जो है ना वो बेसिकली इसी डिसिप्लिन से इमर्ज हुई है। लैंडस्केप जो है ना ये लोग बड़े अच्छी करते हैं, और इसके बाद फ्रूट्स और वेजिटेबल ये दोनों इसका पार्ट एंड पार्सल है। ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी हैं और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी हैं, तो ये सब्जेक्ट्स जो है ना वो आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। डॉक्टर समर अब्बास नकवी और डॉक्टर आसन इकबाल बहुत अच्छे टीचर्स हैं भाई इस डिसिप्लिन के, तो होपफुली आप बहुत अच्छा इनसे लर्न करेंगे। इसमें भी 3 क्रेडिट आवर हैं, 3 टोटल यानी 60 नंबर का सब्जेक्ट। तो यूनिवर्सिटी में आप देखोगे कि कोई कोर्स होगा जो 2 क्रेडिट आवर का होगा, और कोई भी ऐसा नहीं है जो 4 क्रेडिट आवर्स का हो। तो मैक्सिमम जो है ना 3 क्रेडिट आवर्स का कोर्स है यानी 60 मार्क्स का, और जो 2 का है वो 40 मार्क्स का। इसके बाद ये 40 मार्क्स और 60 मार्क्स इसमें से कितने में से मिड होता है, कितने में से फाइनल होता है, ये मैं आपको जो मेरी सेकंड प्रेजेंटेशन होगी जिसमें मैं आपको थोड़ी सी आपकी डिग्री के बारे में वेलकम इंफॉर्मेशन दूंगा,
और जो आपने आठ सेमेस्टर्स में कोर्सेज लेने होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। फिर सब्जेक्ट वही आ जाता है इंग्लिश का। डॉक्टर आसम अकील गालबन इसके टीचर हैं और ये भी 3 credit hours का है। 3 classes होंगी, 2 एक दिन हो जाएंगी और 1 class जो है वो एक किसी और दिन जो है वो स्केड्यूल्ड हुआ करेगी। तो अब आप देखें तो ये आपका टाइम टेबल जो है ये स्टार्ट होता है 8 o'clock पे और ऑलमोस्ट जो है वो आपको यहाँ पे शायद 8th class में कुछ कोर्सेज जो है वो नजर आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे एक लिखा हुआ है, ठीक है, और 2:20 के बाद आपकी कोई क्लास नजर नहीं आ रही। जबकि आपकी डिग्री प्रोग्राम का एक इवनिंग सेशन भी है जिसमें लोग जो है ना वो कुछ एक्स्ट्रा पे करके इवनिंग प्रोग्राम में वो एडमिट होते हैं। उनकी क्लासेस जो है ना वो आप देखेंगे कि 1:30 से स्टार्ट होंगी, एक्सेप्ट फॉर जुमा। जुमा में वो जुमा प्रेयर का टाइम होगा, 1 to 2 जो है वो ब्रेक टाइम होता है, लेकिन यहाँ पे आपको 2:20 के बाद आपकी कोई क्लास नजर नहीं आ रही, ठीक है। अब मैं आपका जो है वो सेकंड जो टाइम टेबल है इवनिंग का उसको आपके साथ शेयर करता हूँ। और इसमें हम देखते हैं कि बेसिक इंफॉर्मेशन तो वही है जो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। जैसे इसमें फर्स्ट रो जो है वो BSc फर्स्ट की है, सेकंड जो है वो थर्ड को शो कर रही है, थर्ड जो है वो 5th semester को, और कलर जो है वो आगे आपको मैंने पहले ही बताया है कि जो ये ब्लू कलर है वो 7th semester के लिए डिप्यूटेड है और रेड कलर में फिर MSc के कोर्सेज हैं या PhD के कोर्सेज हैं। टाइम आप देखें तो 1:30 से स्टार्ट कर रहे हैं और ऑलमोस्ट मेजॉरिटी जो है वो 5:40 पे खत्म हो रही है, एक्सेप्ट ये फ्यू डेज जो है वो मंडे ट्यूजडे आपकी क्लासेज जो है वो ऑलमोस्ट मगरब के टाइम तक जा रही है 6:30। बाकी सेम कोर्सेज हैं, सेम कोर्स कोड्स हैं, सेम टीचर्स हैं, एक्सेप्ट एक आध कोर्स में फर्क होगा। जैसे हॉर्टिकल्चर में मॉर्निंग वालों को डॉक्टर समन नकवी पढ़ा रहे हैं और इवनिंग वालों को जो है वो डॉक्टर आसन पढ़ा रहे हैं। फर्स्ट जो है कोर्स HND 301 और 402 जो FST और बायो, ये फर्स्ट टू हैं जो है इनके सेम टीचर्स हैं। बायोकेमिस्ट्री में भी मॉर्निंग इवनिंग के डिफरेंट हैं, बायो के अंदर सेम टीचर्स हैं। इग्रोनॉमी में भी आपको थ्योरी के टीचर सेम नजर आएंगे, प्रैक्टिकल्स के टीचर जो है वो डिफरेंट होंगे और इंग्लिश के टीचर भी सेम है। तो थैंक यू ऑल भाई, इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आपके CR टीचर्स के साथ कम्युनिकेट करके अगर कुछ चेंज करते हैं वो मुझे भी इन्फॉर्म कर दीजिएगा ताकि हम लोग इसको मॉडिफाई करके आप लोगों के साथ जो है वो अपडेटेड वर्जन जो है वो उसको शेयर कर सकें। तो मजीद जो है वो मैं अपनी सेकंड वीडियो जो है वो आपके साथ शेयर करूंगा जिसमें हम इसकी डिग्री प्रोग्राम्स की जो है ना वो थोड़ी सी हिस्ट्री देखेंगे, इसको कैसे लॉन्च किया गया और इसकी ज़रूरत क्या है, इसमें कोर्सेज किस किस डिसिप्लिन के एडेड हैं और मजीद इसमें एग्जामिनेशन सिस्टम क्या होता है, और कोई अगर इंफॉर्मेशन रह गई तो आप क्वेश्चंस करके जब हमें रिपोर्ट करेंगे तो हम उसके हिसाब से जो है वो मजीद आपको गाइड कर देंगे। तो थैंक यू ऑल भाई, थैंक यू फॉर लिसनिंग। और मेरी जो इंफॉर्मेशन जो भी होती हैं, मैं चाहे वो BSc के लेक्चर्स डिलीवर कर रहा हूँ किसी सेमेस्टर के या मास्टर या PhD लेवल के, तो ये सारे मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है वो अपलोड कर देता हूँ। तो आपको बेसिक से लेके एडवांस तक सारी इंफॉर्मेशन जो है वो वहाँ पे मिलेगी और आपकी जो क्लासेस भी मैं लूंगा वो भी वहाँ पे अवेलेबल होंगी। तो इसलिए आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जैसे ही उसके अंदर हम कोई इंफॉर्मेशन लोड करते हैं वो आप तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। और दूसरा जो है वो आपके जो मैंने ग्रुप्स बनाए हैं, व्हाट्सएप के ऑफिशियल ग्रुप बनाया है, उसके अंदर उसका लिंक जो है वो हम आपके साथ शेयर कर दिया करेंगे। थैंक यू ऑल भाई, अल्लाह हाफिज़।